नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार ब्रोट वैली से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में बसा हुआ है एक छोटा सा खूबसूरत गांव बरोट, और इसी बरोट गांव के नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा है बरोट वैली। बरोट वैली मशहूर है हरे भरे देवदार के जंगलों के लिए, हरे भरे पहाड़ों के बीच बहती स्वच्छ जल वाली नदियों के लिए, खूबसूरत झरनों के लिए, उहल नदी पर बनी हुई झीलों के लिए और भी बहुत कुछ। ऐसा लगता है मानो भगवान ने ब्रोट वैली को प्राकृतिक सुंदरता का वरदान दे दिया हो। ब्रोट की प्रमुख खूबसूरत जगहों की बात की जाए तो ये फवारा इन सभी में नंबर वन है। ये खूबसूरत फवारा उहल नदी पर बनी झील के किनारे स्थित है और इसे अंग्रेजों द्वारा लगभग 1930 के आसपास बनाया गया था। इसके अलावा उहल नदी के पानी का इस्तेमाल करके दो और बड़ी झीलें बनाई गई हैं जो कि बरोट की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। इसके अलावा ठंडी गुलाई का मैदान जो कि उहल नदी के किनारे स्थित है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुले मैदान के लिए प्रसिद्ध है। इस लिस्ट में आगे नाम है जीरो पॉइंट का, जो कि अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई मशीनरी और हॉरेस ट्रॉली रेल लाइन के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा लपास वाटरफॉल का एक नज़ारा जो कि ब्रोट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके अलावा ब्रोट वैली में कोटिकोट का वाटरफॉल, जीरो पॉइंट का वाटरफॉल और भी कई वाटरफॉल्स काफ़ी मशहूर हैं। ये रहा ब्रोट वैली का मशहूर ट्राउट फिश फार्म। दोस्तों, वैसे तो ब्रोट में काफ़ी और भी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप ब्रोट वैली में आए हैं और आपने ट्रैकिंग नहीं की तो समझिए आप ब्रोट वैली का असली आनंद लेने से चूक गए। पहाड़ों के ऊपर से ब्रोट वैली का खूबसूरत नज़ारा सच में बहुत ही अद्भुत लगता है। ब्रोट में पर्यटकों के बीच में जो सबसे मशहूर ट्रैक है वो है विंच कैंप का ट्रैक, जहाँ पर आपको अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई हॉलेज ट्रॉली की रेल लाइन्स और वहाँ पर बनाया हुआ हॉलेज ट्रॉली का स्टेशन दिखाई देगा। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रोट से डहनसर लेक का ट्रैक काफ़ी मशहूर है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियो डहनसर ट्रैक का वीडियो अवश्य देखें। ब्रोट से और भी कई ट्रैकिंग रूट्स जाते हैं जिनके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ब्रोट वैली में स्टे ऑप्शंस की बात की जाए तो कैंपिंग, होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल्स, आपको हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। हम आपको रिकमेंड करेंगे होटल राजकमल। इसके रूम्स काफ़ी साफ सुथरे और सुंदर हैं और यहां से आप खूबसूरत लेक व्यू का आनंद उठा सकते हैं। रूम बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा ब्रोट वैली में सरकारी PWD का गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और जल शक्ति विभाग का रेस्ट हाउस काफ़ी मशहूर हैं, जिनकी बुकिंग आप संबंधित विभाग को कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। ब्रोट वैली तक पहुंचने के लिए सिंगल लेन पक्की सड़क बनी हुई है, जहां पर आप अपनी गाड़ी या बस के जरिए भी पहुंच सकते हैं। नज़दीक के शहरों की बात की जाए तो ब्रोट जोगिंदर नगर से 40 किलोमीटर और मंडी से 65 किलोमीटर दूर है। अन्य शहरों से ब्रोट वैली आने के लिए आप गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही रास्ता बताता है। ब्रोट वैली सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग मेहनतकश और बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर यहाँ के लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं और बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं तो आप ब्रोट वैली ज़रूर आएँ, और एक बार आप आ गए तो आप ब्रोट वैली आते ही रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा चाहूँगा। नमस्कार।